तो हेलो फ्रेंड्स मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं था फेमस किचन और आज हमने कांजी वड़े रेडी किए हैं दोस्तों देखिए कांजी वड़े देख लीजिए एक बार कांजी वड़े बहुत बढ़िया बनकर रेडी हुए हैं और कांजी वड़े के अंदर जो भी सीक्रेट्स हैं जो भी सीक्रेट्स हैं आज सब ओपन कर दूंगा दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा चलिए शुरू करते हैं ये देखिए यहाँ मैंने जीरा लिया है दोस्तों और ये जीरा लगभग बीस ग्राम जीरा होगा दोस्तों यहाँ मैंने काली मिर्च लिए दोस्तों ये भी काली मिर्च 20 ग्राम लगभग होगी दोस्तों यहाँ मैंने काले नमक का इस्तेमाल किया है ये तीन चम्मच काला नमक है आप इससे सफेद नमक का यूज़ भी कर सकते हैं बट काले नमक का यूज़ कीजिएगा बहुत अच्छा टेस्ट आता है भुना हुआ जीरा इसके अंदर जीरा और धनिया मैंने भून लिया था ये पाँच ग्राम हींग ली है हींग वाली ली है दोस्तों आप भी स्ट्रोंग वाली हींग लीजिएगा यहां मैंने पीली सरसों का यूज़ किया दोस्तों अगर आपके पास पीली सरसों नहीं है तो आप काली सरसों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं लेकिन पीली सरसों और काली सरसों मिला के इस्तेमाल कीजिएगा बहुत अच्छा टेस्ट आता है सारे मसालों को एक बाउल में ट्रांसफर कर लेते हैं दोस्तों तो यहां मैं डाल रहा हूँ सरसों और सरसों दो ग्राम सरसों लिया है दोस्तों मैंने यहां पर ये यह पीली सरसों है दोस्तों अब इस मसाले को बनाने के बाद आप एक से दो साल बहुत आराम से आप इसे स्टोर भी कर सकते हैं तो दोस्तों वीडियो पूरा देखिएगा यहां मैं जीरा यूज कर रहा हूँ और जीरा 20 ग्राम जीरा था आपको याद होगा तो यहां मैं काली मिर्च यूज कर रहा हूं काली मिर्च भी 20 ग्राम थी तो दोस्तों आप इस मसाले से कभी भी इंस्टेंट पानी रेडी कर सकते हैं यहां मैं हींग यूज कर रहा हूं और यहां पर यह भुना हुआ जो हमने मसाला बनाया था ये वही मसाला है दोस्तों धनिया जीरा और थोड़ा सा अजवाइन का और ये काला नमक यहां अगर आपके पास वाइट नमक है और काला नमक नहीं है तो व्हाइट नमक भी यूज कर सकते हैं और मिक्स करने के बाद फिर इसे ग्राइंडिंग जार में ट्रांसफर करते हैं तो ग्राइंडिंग जार मैंने यहां ले लिया है इस पूरे मसाले को इसके अंदर ट्रांसफ़र करेंगे और इसे ग्राइंड कर लेंगे और हमें बहुत बारीक नहीं पीसना है दोस्तों इस चीज़ का ध्यान रखें हमें बहुत बारीक नहीं पीसना है हमें पाउडर नहीं बनाना है हमें मोटा और दरदरा रखना है दोस्तों इसको एक बार चेक कर लेते हैं हमारा मसाला पीस चुका है ये देखिए मैंने इसको दरदरा रखा है बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना है और यहाँ मैंने इस जार के अंदर पाँच चम्मच कांजी वड़े का मसाला यूज़ कर रहा हूँ और पाँच चम्मच कांजी वड़े के मसाले से कम से कम आपका दो से ढाई लीटर कांजी वड़े का पानी रेडी हो सकता है तो आप उसी हिसाब से करें मैंने आपको हिसाब बता दिया है पाँच चम्मच से ढाई लीटर तक पानी रेडी हो सकता है अभी तो मैं इसके अंदर एक लीटर से डेढ़ लीटर पानी करीब इसके अंदर ऐड करूँगा और ऐड करने के बाद इसको पाँच से सात दिन के लिए रेस्ट पर छोड़ दूंगा और कुछ लोग बोलते हैं दो दिन में कांजी का पानी रेडी होता है दो दिन में कहीं कांजी का पानी दोस्तों रेडी नहीं होता ये बिल्कुल सरासर झूठ है और अगर आपको बेस्ट रिजल्ट चाहिए तो पाँच से सात दिन आपको इसको रेस्ट पर छोड़ना पड़ेगा फिर आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा दोस्तों तो यहाँ मैं वड़े की तैयारी कर लेता हूँ दोस्तों तो मूंग दाल लिया मैंने डेढ़ सौ ग्राम धुली हुई मूंग दाल बोलते हैं इसे बिना छिलके वाली और इसको चार से पाँच बार अच्छे से वॉश कर लें क्योंकि इसके ऊपर क्या रहता है केमिकल की कोटिंग रहती है जिससे इसके ऊपर एक अच्छी सी चमक बनी रहती है तो उसको हम निकाल लेते हैं केमिकल को और उसके लिए हमें तीन से चार बार इसको धोना पड़ेगा तो ऐसे रगड़ रगड़ के इस तरह से तीन से चार बार धो लें मैंने तो धो लिया है देखिए दाल कितनी साफ हो गई है अभी इसके अंदर पानी ऐड करते हैं तो मैं साफ पानी ऐड कर रहा हूं इसके अंदर साफ पानी जितनी दाल है उससे डबल पानी ऐड करें और दो से तीन घंटे के लिए इसको रेस्ट पर छोड़ दें ताकि ये पानी को सौ कर ले तो देखिए अभी एक बार दाल चेक कर लेते हैं दाल हमारी कैसी है इस तरह से चेक करें चेक करने का ये बेस्ट तरीका है यहां से आपको पता चल जाएगा कि कच्ची है कि नहीं दाल हमारी परफेक्ट एकदम हो चुकी है रेडी तो चलिए इसका पानी निकाल लेते हैं और इसे ग्राइंडिंग जार में ट्रांसफर कर लेते हैं दोस्तों और पानी आप बहुत कम ऐड करना है कोशिश करिएगा पानी ऐड ना करें मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर रहा हूं देखिए कितना थोड़ा सा मैंने पानी ऐड किया है दाल जितना गाढ़ा होगा उतना ही आपको भल्लों का शेप बहुत अच्छा मिलेगा दोस्तों अगर भल्लों का शेप अच्छा चाहिए तो दाल को गाढ़ा रखें चलिए पीस लेते हैं इसको अगर ग्राइंड करने वक्त आपको पानी की जरूरत पड़े तो थोड़ा सा पानी आप ऐड कर सकते हैं ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल पानी ऐड नहीं करना है आप थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं ग्राइंड नहीं हो रहा है तो ये देखिए मेरा तो ग्राइंड हो चुका है और देखिए बिल्कुल बारीक एकदम पेस्ट बन चुका है और इसका कलर देख लीजिए आप बिल्कुल येलोश कलर है और आगे मैं इसके बारे में बताता हूँ आपको मैंने कलर देखने के लिए क्यों कहा है तो इसे एक बाउल में ट्रांसफर कर लेते हैं द फेमस किचन को फेमस करने के लिए दोस्तों आपको एक लाइक बहुत ज़रूरी है तो वीडियो को अभी जाकर लाइक कर दें और नई नई वीडियोज इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें दोस्तों तो चलिए अभी देखिए मैं यहाँ पर कस्तूरी मेथी ऐड कर रहा हूँ दाल के अंदर और यहाँ मैंने चुटकी भर हींग ऐड की है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप हींग ऐड कर सकते हैं और इसको फेटना शुरू करते हैं अब ये जो प्रोसेस है ना दोस्तों ये इस दही भल्ले का मेन प्रोसेस है इसको अच्छे से याद रखें इसको अच्छे से फेंटना है येलो दाल को हमें व्हाइट दाल में कन्वर्ट करना है और ये जो दाल है देख लीजिए कितनी थोड़ी लग रही है हमें देखने में बट ये जब फेटेंगे ना इसको तो ये डबल हो जाएगी दोस्तों इसके अंदर फर्मेंटेशन होगा और इसके अंदर एयर पॉकेट्स बन जाएंगे जिससे ये डबल हो जाएगी मैं आपको दिखाऊँगा आगे वीडियो में इस तरह से फेटे और आप चाहें तो हाथ से भी फेंट सकते हैं पंद्रह से बीस मिनट आपको दोस्तों देने पड़ेंगे थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी लेकिन इससे आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा इससे आपके कांजी के बड़े बिल्कुल फूले फूले और सॉफ्ट सॉफ्ट बढ़िया बनेंगे तो इस प्रोसेस को पूरा फॉलो करें दोस्तों और हाँ देखिए पंद्रह से बीस मिनट आपको देना ही पड़ेगा और उसके बाद जो फर्मेंटेशन होगा उसके बाद का रिजल्ट देखिए ये देख लीजिए उसके बाद देखिए दाल ऑलमोस्ट हमारी डबल हो चुकी है ये देखिए कितनी गाढ़ी दाल हो चुकी है और इसके अंदर फर्मेंटेशन बहुत अच्छा हुआ है एयर पॉकेट्स बहुत अच्छे बने हैं ये देखिए तो अगर एक चटनी की तैयारी करते हैं आगे तो मैंने यहाँ पे फ्रेश पालक यूज़ किया है दोस्तों पालक की जो क्वांटिटी है वो अपने हिसाब से रख सकते हैं और यहाँ तीखा भी अपने हिसाब से रख सकते हैं इसलिए मैंने सात से आठ हरी मिर्च यूज़ की है दोस्तों यहाँ मैंने पुदीना यूज़ किया है पुदीना ज़्यादा यूज़ ना करें वरना आपकी चटनी कड़वी हो सकती है दोस्तों धनिया यूज़ कर रहा हूँ धनिया के डंठल के साथ में इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा और पालक का जो डंठल है उसको थोड़ा कट कर लिया है मैंने ये जो डंठल होता है ना दोस्तों इससे चटनी का टेस्ट खराब हो जाता है दोस्तों तो इसको ना डालें और अच्छे से दो से तीन बार पालक को धनिया को सब चीज को अच्छे से वॉश कर लें वरना अगर मिट्टी आ गई तो दोस्तों आपके चटनी का टेस्ट बिल्कुल खराब हो जाएगा दोस्तों तो ग्राइंडिंग जार में मैंने सबको वॉश करके ट्रांसफर कर लिया है दोस्तों अब यहाँ पर ना मैं एक अदरक का छोटा सा टुकड़ा डाल डाल रहा हूँ और याद रखिएगा अदरक का टुकड़ा ज़्यादा बड़ा ना लें इससे भी कड़वापन आता है तो यहाँ मैं काला नमक ऐड कर रहा हूँ आप वाइट नमक भी ऐड कर सकते हैं यहां मैं थोड़ी सी खटाई ऐड कर रहा हूँ दोस्तों ये पिसी हुई खटाई है इससे भी आपका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा और ये थोड़ा सा पानी बहुत ज्यादा पानी डालने की जरूरत नहीं है पालक के अंदर ऑलरेडी बहुत पानी होता है दोस्तों थोड़ा सा पानी मैंने बस ग्राइंड अच्छे से हो जाए सिर्फ इसलिए डाला है तो चलिए एक बार ग्राइंड कर लेते हैं फिर आपको मैं दिखाता हूं चटनी हमारी कैसी बनकर रेडी हुई है ये देखिए चटनी का कलर देखिए कितना अच्छा कलर आया है ये देखिए लग रहा है ना एकदम बाजार जैसा तो चलिए एक पतीले में तेल ले लेते हैं और तेल को गर्म करते हैं कांजी वड़े के लिए अब कांजी वड़े बनाने का टाइम हो गया है तो हाई हीट पर लाने के बाद गैस की फ्लेम को लो करते हैं और ये देखिए अपना बैटर और इस तरह से चार उंगलियां लेके और बीच में रख के इसको बैटर को अपने और अंगूठे से आगे ट्रांसफर करना है जिससे आपका शेप अच्छा आना शुरू हो जाएगा देखिए दाल अगर पतली होगी तो शेप आपका बिगड़ सकता है अगर दाल गाढ़ी लेंगे तो शेप भी आपका अच्छा आएगा और पकौड़ियाँ उतारने में भी बहुत आसानी होगी तो एक एक कर कर मैंने सारी पकौड़ियाँ उतार लिया है और उतारने के बाद फ्लेम को लो ही रखा है और चलाते रहें इस तरीके से धीरे धीरे पकाना है ताकि अंदर तक हीट जाए और हमारी पकौड़ियां अंदर तक सॉफ्ट सॉफ्ट एकदम पक जाए तो एक पकौड़ी चेक कर लेते हैं दोस्तों लगभग हमारी पकौड़ियाँ रेडी हो चुकी हैं तो ये देखिए इसके अंदर पॉकेट्स देख रहे हैं ना आप ये पॉकेट्स बन चुके हैं इसके अंदर एकदम स्पंजी बनकर रेडी हुआ है दोस्तों ये तो डन हो चुका है यहाँ पर तो अभी मैं इन सबको एक किसी प्लेट में किसी बाउल में ट्रांसफर कर लेता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट पर अगर आप इसको लेके जाएंगे तो दोस्तों ये बहुत सख्त हो जाएंगे तो इसलिए इस टेम्परेचर पर मैं इसको निकाल रहा हूँ सभी को बाहर निकाल लेंगे तो एक बाउल में मैं कांजी वड़े का पानी दोस्तों डाल लेता हूँ सात से आठ दिन रेस्ट देने के बाद ये बेस्ट कांजी का पानी रेडी हुआ है दो से तीन दिन में कांजी का पानी बिल्कुल रेडी नहीं होता है दोस्तों और पकौड़ियाँ जो हमने बनाई है वो तो गरम गरम इस पानी के अंदर ट्रांसफ़र कर लेंगे ताकि सारे पानी को ये सक कर लें अच्छे से और भीग जाएँ अच्छे से उसके बाद ही इनका टेस्ट हमें बहुत अच्छा देखने को मिलेगा तो चलिए सर्व कर लेते हैं एक बार ये देखिए हमारा कांजी का पानी भी रेडी हो चुका है मैंने इसके साथ चटनी मीठी चटनी की जो रेसिपी है वो दोस्तों मेरे चैनल पर आ चुकी है आप कहेंगे तो मैं एंड स्क्रीन में दे दूंगा और ये देखिए हरी चटनी आपके सामने बनाई थी हरी चटनी का कलर कितना अच्छा आया है ये देखिए तो ये कांजी के पानी के अंदर मैंने हरी चटनी और लाल चटनी दोनों यूज की है खट्टा मीठा फ्लेवर आएगा दोस्तों एक बार यूज करके देखिएगा और भल्ले देख लीजिए आप फूल कर बल्ले कितने मोटे हो चुके हैं ये देखिए लग रहा है ना कितना अच्छा देखने में पानी तो इस तरह से बनाएंगे और देखिए अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो आप सब कुछ समझ गए होंगे क्या करना है और कैसे करना है अगर इससे रिलेटेड आपके मन में कोई भी सवाल या जवाब हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं मैं उसका जवाब जरूर जरूर दूंगा और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें द फेमस किचन को फेमस करने के लिए आपका एक लाइक और आपका एक सब्सक्राइब बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों घर पर बनाइएगा और खाइएगा बताइएगा कमेंट में कि कैसा बना आपका और मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा फिर मिलता हूं नई वीडियो के साथ तब तक के लिए गुड बाय